ब्रेन हेमरेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन में मौजूद कोई ब्लड वेसल फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग या तो ब्रेन टिश्यू में होती है या तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग्स में, जिसको कि हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। ये कवरिंग तीन लेयर के रूप में देखने को मिलती है। इसमें जो बीच वाली लेयर होती है उसे अरेक्नॉइड मैटर कहा जाता है। यहाँ पर ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए कई बार ब्रेन हेमरेज इस लेयर में देखने को मिलता है। ब्लीडिंग चाहे मेनिंजेस में हो या ब्रेन टिश्यूज में, दोनों तरह की ब्लीडिंग ही ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। अगर ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यूज में हो जाए तो ब्रेन सेल्स ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं, और अगर ब्लीडिंग मेनिंजेस में हो जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव कवरिंग सूजने लगती है और जिसकी वजह से अंदर मौजूद ब्रेन सेल्स पर दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से सेल्स मरने लगते हैं। ब्रेन में ब्लीडिंग होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे सर पर गहरी चोट लगना, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्रेन में ट्यूमर का मौजूद होने की वजह से, या मरीज में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने की वजह से। दोस्तों, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि ब्रेन हेमरेज के सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्रेन में भयानक दर्द होने लगता है और बहुत उल्टियाँ भी पेशेंट को होने लगती है। इसके अलावा मरीज को देखने और बोलने में दिक्कत महसूस होती है और साथ ही शरीर की कोऑर्डिनेशन भी खत्म हो जाती है, हाथ पैरों में वीकनेस भी देखने को लगती है। अगर ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होता है। अगर ज़रा सी भी देर हुई तो पेशेंट की जान जा सकती है। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ब्रेन हेमरेज ब्रेन के किस हिस्से में हुआ है और उससे ब्रेन को कितना नुकसान हुआ है, जिसके लिए डॉक्टर सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं। ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग को निकालने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें पेशेंट के दिमाग में छेद करके ब्लड क्लॉट्स को ड्रेन किया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद अगर पेशेंट में कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, जैसे कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आना या हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत आना, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी पेशेंट को दी जाती है, और यह एक लंबा ट्रीटमेंट होता है जो पेशेंट को दिया जाता है ब्रेन हेमरेज के केस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।